अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईशा वसीम इज़ हियर। आज का हमारा जो लेसन है वो है यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज के लेसन में मैं आप लोग को साइंटिफिक न्यूट्रिशन कराऊंगी। अभी ये हमारे पास चैप्टर का नाम लॉगरिथम है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम साइंटिफिक न्यूट्रिशन और ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग ने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं बीच में बहुत से टिप्स और ट्रिक बताऊँगी आसान क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि क्वेश्चन कैसे आसान सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और अब चलिए, अब मैं स्टार्ट कराती हूँ फर्स्ट पार्ट, ताकि आप लोग को साइंटिफिक न्यूट्रिशन की अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है। अच्छा, अब साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी मदद से मैं आप लोग को ये बात समझाऊंगी, ठीक है। अब साइंटिफिक न्यूट्रिशन जो है, आप लोग को मैं ये बताती चलूँ, ये ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन है। ये क्या है, ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब वहाँ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन को साइंटिफिक न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करें, ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जो फुल फॉर्म होती है ना, मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। थैंक यू। ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको बताती हूँ ये साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्यों है, ये ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्यों है। ऑर्डिनरी नंबर का मतलब कि जो ऑर्डिनरी हो, मतलब जो आम हो। अगर हम लोग आम रूटीन में देखें तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 5700, मतलब आसान तरीका ये है कि जो फुल फॉर्म होती है, मतलब जो खुली हुई होती है, उसे ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन कहते हैं, जो ऑर्डिनरी यूज़ होते हैं। अगर हम लोग बैठ जाएँ तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे शॉपकीपर को कि हमें 5.7 × 10³ की चीज़ दें, तो हम ये कहेंगे ना 5700 की चीज़ें। तो इसलिए इसे ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन कहते हैं। 5.7 × 10³ जो है, ये साइंटिफिक न्यूट्रिशन है। साइंस की ज़ुबान में 5.7 × 10³ बोलते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, तो उसमें अगर आप लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ज़्यादातर ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग को समझ आ गई होगी साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन क्या होता है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ हमारे पास क्या किया हुआ है, हमने 10³ और पॉइंट कैसे लगाया कि यहाँ हमेशा कोई भी पॉइंट तो हमें शो नहीं होता, लेकिन हमेशा एंड पे किसी भी नंबर की पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट क्या कि 0000000 जाते 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 जाते, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम उससे ज़्यादातर नहीं लिखते, ठीक है। अब पॉइंट जब हम लोग यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ कितने नंबर हमने मूव कराया, 1, 2, 3 थ्री नंबर मूव कराया, तो 5। और किधर किधर तक मूव कराया, 5 और 7 के बीच तक। तो 5 और 7 के बीच तक जब हम मूव कराएंगे तो 5.7 आ जाएगा और 10³ आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 नंबर्स मूव कराए, 10³ ही आएगा। 10 के अलावा कोई भी आप और चीज़ नहीं लिख सकते। आए आप लोग को यहाँ तक समझ, आप लोगों ने 10³ नहीं लिखना। कैसे क्यों नहीं लिखना 10³? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो पॉइंट होता है वो एक नंबर के बाद होता है। आप लोग ये नहीं कर सकते कि 57.0 लिख लें, नहीं, आप लोगों ने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब एक नंबर के बाद पॉइंट लगे रहे तो 5.7, तो उसकी पावर पर 10³ आएगी। अगर हम लोग 57.0 करते तो दो नंबर हम लोग मूव कराते तो 10² आती, लेकिन हमने पहले डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, ठीक है। दूसरे डिजिट के बाद नहीं लगाना, तीसरे डिजिट के बाद नहीं लगाना, चौथे डिजिट के बाद लगाना, पहले डिजिट के बाद लगाना है। आई होप कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था। हमने सिंपली और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। मैं आप लोग को अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कराती हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है, 5, 4,
9800000। अच्छा, अब आप लोग यहाँ देखें, यहाँ हम लोग देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन है, ठीक है। अगर हम कहीं लिखते हैं, कोई पेमेंट लिखते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर लाख, 10 लाख, मिलियंस की फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स, उसमें वर्ड्स में, जैसे ये किसके इक्वल है, 1,000, 10 लाख, 10 लाख। अगर हम लोग कहें 49 लाख, एस, ठीक है, 49 लाख, तो हम लोग LACLAKH उस फॉर्म में लिखते हैं 49 लाख, या फिर इस फॉर्म में लिखा होता है। अब इस फॉर्म में कहीं आप लोग को नज़र आता है हमारी डेली रूटीन में, जो इस फॉर्म में नहीं ना, तो मतलब ये क्या है, साइंटिफिक है। अब इसको साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट है, मतलब आगे 0,0 जाते जा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि नंबर के एंड में हमेशा एक पॉइंट होता है, लेकिन वो अगर लगाने लग जाए तो फिर काम ठीक नहीं होगा, लेकिन होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 8, अच्छा जी। अब यहाँ मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि हमने एक नंबर के बाद मूव कराना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 4, 1, 9, 8, 10 की पावर 7। क्यों, क्योंकि हमने क्या 7 डिजिट्स हमने मूव कराए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, हमने 7 डिजिट मूव कराए। अगर आप लोग ने ये जैसे पेपर में तो आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग को मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, तो हम ऊपर से गिन लेते हैं कि कितने नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप लोग ने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग ने इसको काउंट नहीं करना, ये गलती होगी, ठीक है, आप लोगों ने इसको काउंट करना है। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, आई होप कि आप लोग अब समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टू पार्ट्स या फर्स्ट थ्री पार्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो आगे आप लोगों को बहुत आसानी होगी करने में। अच्छा, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। कितने डिजिट हम लोग मूव कराएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी हिंट दे दी कि यहाँ हमेशा एंड पे पॉइंट ज़रूर होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग हमेशा पहले नंबर के बाद ही पॉइंट लगाते हैं, दूसरे तीसरे के बाद नहीं लगाना होता, ठीक है। और हमेशा हम लोग पावर को 10 की पावर में लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन जो है वो हमारे पास डेली रूटीन में यूज़ होती है, साइंटिफिक नोटेशन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट की तरफ मैं मूव करती हूँ। अब यहाँ देखें नीचे सब में, यहाँ है हमारे पास पॉइंट लगा हुआ। अब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में ही ऑलरेडी यहाँ से पॉइंट मूव करा लिया है उन्होंने, ठीक है। मैंने कहा था कि एंड में पॉइंट होता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ही एंड से एक नंबर आगे मूव करा दिया है, ठीक है, हमें मूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब यहाँ से हम लोग मूव कराएंगे, एंड से नहीं कराएंगे, जहाँ पॉइंट होगा वहीं से हम लोग कराएंगे। तो यहाँ से करें तो 1, 2, यहाँ तक आप लोग को समझ, आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग यहाँ जो नीचे आंसर है ना, इसमें पहले 2 ही लिखा करें, यहाँ 4.169 पूरा ना लिखने बैठ जाना, आप लोग ने पहले 2 डिजिट ही लिखने या फिर पहले 3, ठीक है। हमारे पास 4 पार्ट था, ये 4 पार्ट था हमारे पास।
अच्छा, कुछ बच्चे ये मेरे से कहते हैं कि वो कॉमा उसमें फर्क नहीं पहचानते पॉइंट में, तो वो समझते हैं कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ वन डिजिट मूव करो, तो ये नहीं, रॉन्ग हो जाएगा ये आप लोग का। अब यहाँ यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, अगर यहाँ पॉइंट लगा होता तो उसका मतलब होता कि उन्होंने पहले ही एक नंबर आगे मूव करा दिया पॉइंट, लेकिन यहाँ उन्होंने मूव नहीं कराया तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग मूव कराएंगे। 1 2 3 4 4, बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंट पार्ट है वो अभी आने वाला है, वो मैं करा देती हूँ फिर आप लोग को आसानी हो जाएगी। वो ये पार्ट है 0.00643। अब इसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आते हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, कोई भी नंबर आ जाएगा। क्वेश्चंस में भी आते हैं, लेकिन ये आपकी टीचर पे डिपेंड करता है, आपकी टीचर जो आपको गाइड करें, आप लोग ने उसी हिसाब से ट्राई करनी है। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास 0 थे वो इस तरफ थे, राइट साइड में थे, यहाँ क्या है लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे 0 हो, जब भी मेरी बात याद रखे कि जब भी राइट साइड पे 0 हो तब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आती है। जैसे अब यहाँ देखिए +4 है, पर प्लस तो नहीं लिखते ना हम लोग, मतलब प्लस ही होता है उसके साथ, या लेफ्ट साइड में नेगेटिव भी होती है। आई होप कि आप लोग ये बात समझ आ गई होगी, ये आप लोग ने याद रखनी है। अब यहाँ ये लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि 10 की पावर +5 है, +3 या +4, ठीक है, हम लोग ये माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं आप लोग को समझा देती हूँ कैसे। ऐसे होगा कि अब हम लोग पॉइंट जब मूव करेंगे, अच्छा अब एक और मैं बाद में आपको बता दूँ कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट मूव कराते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट नंबर है, अगर हम लोग 0 हटा दें तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा बन रहा है, 6 और 4 बन रहा है ना, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पॉइंट मूव कराएं 1 2 3, ये हमारे पास क्या है आंसर आया। ओके, आप लोग ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा, बाकी सारे पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं आप लोग को समझा देती हूँ, अब यहाँ मैंने नेक्स्ट टू पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। सबसे नेक्स्ट पार्ट है कि 0.074, इसका भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 6 में किया था। 1 2 3, 10^-7.4, यहाँ देखें, यहाँ राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, 10^7, 6 लिखे या 6.0 लिखे आप लोग की मर्जी है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.95 × 10^-9, ठीक है, यहाँ से हमने मूव कराया ना। यहाँ देखें, अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन है बहुत आसान, हम लोग ने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है लेकिन ऊपर ही हम लोग ने कर देना है, जैसे 1 2 3 4 5, 2.75 × 10^5, और यहाँ 1 2 3, 2.5 × 10^-3, ये हमारे पास क्या है आंसर आई। होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और आज के लेसन में हमने सारे पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के, कल के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो आई होप कि आप लोग सारे पार्ट्स समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।